जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। अगस्त के महीने में मंगलदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हम इस वीडियो में सिर्फ वृषभ लगन के जातकों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र नहीं धारण करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं, तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल अगस्त 2022 आपके लिए है। बाकी सभी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 1 से 6 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में राहु और मंगल का अंगारक दोष आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, केतु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, शनिदेव स्वराशि होकर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है, शुक्रदेव और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, बुधदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में है और गुरु आपकी कुंडली के लाभ भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, वर्तमान समय में मंगलदेव और राहु का अंगारक दोष आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, जिसके कारण ये समय ऐसे जातकों को कुछ अत्यधिक लाभ दे सकता है, अकस्मात लाभ दे सकता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में किसी प्रकार का कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, विदेश में किसी प्रकार की कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रकार के जातकों को अत्यधिक शुभ फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो जातक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कार्य से जुड़े हैं, जो जातक इंटरनेशनल इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्यों से जुड़े हैं, जो जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, उस प्रकार के जातकों को भी यहाँ अत्यधिक शुभ फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस समय में मंगल और राहु का अंगारक दोष आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। इस समय आप किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा ये समय आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या में भी फंसा सकता है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। और यदि आप कोई व्हीकल चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। इस समय किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट लगने की संभावना भी बहुत प्रबल है। इसका आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने आगे के सेक्शंस में चर्चा करेंगे। और इस युति का आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम अपने आगे के सेक्शंस में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, जिसके कारण ये समय आपकी यात्राएं आपके कार्य को लेकर बढ़ती दिखाई देंगी। यदि आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस, किसी प्रकार का कोई कार्य अपने छोटे भाई बहनों के साथ कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी, आपका बिजनेस, आपका कार्य आगे बढ़ता दिखाई देगा। इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। यदि पिछले कुछ समय से आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या आप किसी भी कार्य को करने में झिझकते थे, या हम कहें कि वो आत्मबल आप नहीं जुटा पा रहे थे किसी भी कार्य को आगे लेकर जाने में, तो ये वो समय रहेगा जब आप किसी भी कार्य को आगे लेकर जाने में सक्षम रहेंगे। वर्तमान समय में बुधदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में है, जहाँ से बुधदेव की दृष्टि आपकी कर्म स्थान पर होगी। देखिए, बुधदेव आपकी कुंडली में 5म भाव के स्वामी है, जिसके कारण बुधदेव का गोचर आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर रहता है और शनिदेव का गोचर भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर रहता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, बुधदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव में है, जिसके कारण इस समय आपको आपके कार्य संबंधित किसी प्रकार का शुभ अवसर यहाँ देखने को मिल सकता है। अर्थात यदि आप पिछले कुछ समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये वो समय रहेगा जब आपको सफलता मिलने की संभावना बनेगी और आपको कुछ अच्छे अवसर मिलने की संभावना भी यहाँ बन सकती है। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के लाभ भाव में है और लाभ भाव के स्वामी है, जहाँ से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के 5म भाव पर, 3रे भाव पर और कुंडली के
सप्तम भाव पर होगी, जिसके कारण यदि आपके पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव बना हुआ था, किसी प्रकार के मतभेद आपके पार्टनर्स के साथ बने हुए थे, तो उसमें यहाँ पर कमी आती दिखाई देगी। देखिए, ये समय आपकी सोच में एक स्थिरता प्रदान करेगा, या यदि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई हलचल, किसी प्रकार की अस्थिरता पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से बनी हुई थी, तो वो यहाँ दूर होती दिखाई देगी। पिछले कुछ समय से यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो उसमें भी आपको सकारात्मक फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये समय ऐसे जातकों को कुछ शुभ फल दे सकता है जो जातक एजुकेशन के कार्य में हैं, जो जातक किसी प्रकार के एनालिसिस के कार्य से जुड़े हैं, जो जातक शोध या हम कहें रिसर्च जैसे कार्यों से भी जुड़े हैं। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा। आपकी एकाग्रता में विकास होगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन में विकास होगा, आपकी मेहनत अनुसार लाभ आपको मिलने की संभावना यहाँ बनती है। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक बात की चर्चा करना चाहते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे या जितना अधिक फोकस अपने कार्य पर करेंगे, अपने कर्म पर करेंगे, उसके अनुसार आपका भाग्य यहाँ आपका साथ देगा। और शनिदेव का गोचर आप लोगों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर रहता है। ये गोचर आपका 30 वर्ष पश्चात आया है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वृषभ लगन के जातकों के लिए गोचर 30 वर्ष पश्चात आया है, तो आपने इस समय अधिक से अधिक मेहनत करनी है जिससे आपका भाग्य आपका अधिक से अधिक साथ दे और आपके कार्य में विस्तार हो। देखिए, ये अगले 6 महीने आपके लिए निर्धारित करेंगे कि आने वाले वर्षों में आपको क्या कार्य इम्पोर्टेंट रहेगा या किस कार्य में वृद्धि आपको मिलेगी, कौन सा कार्य आपके भाग्य अनुसार कार्य करेगा। अर्थात यदि आपने पिछले कुछ वर्षों से आपके कैरियर को लेकर किसी प्रकार की अस्थिरता बनी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार का कार्य करने से आपको लाभ मिलेगा या किस कैरियर को आप चूज करें जिससे आप आगे बढ़ें, तो अगले 6 महीने ये सुनिश्चित करेंगे कि किस कार्य में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अगले 6 महीने में यदि आपको किसी प्रकार का कोई नया अवसर मिलता है, तो आपने उस अवसर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये समय आप लोगों के जीवन के लिए अत्यंत क्रिटिकल समय है, अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इस समय का जो यूटिलाइज करेगा, इस समय में जो अत्यधिक मेहनत करेगा, उसके शुभ अवसर, शुभ लाभ आपको शनिदेव के अगले गोचर में, अर्थात शनिदेव दोबारा आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे, जो कि जनवरी के महीने में होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, और जैसे ही जनवरी के महीने में वो आते हैं, तो आपके कार्य में एक स्थिरता प्रदान करेंगे, आपके कार्य से आपको लाभ मिलेगा, आपका कार्य विस्तार होता दिखाई देगा। 6 से 15 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं। इस समय मंगलदेव का गोचर आपकी कुंडली के लगन भाव में है। देखिए, मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण ये समय आपके मस्तिष्क में कुछ हलचल दे सकता है। अर्थात यहाँ पर आप विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोचना भी प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्वभाव में भी एक उग्रता, हम कहें कि आपको छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आने की संभावना बहुत प्रबल हो सकती है। यहाँ पर जो जातक पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। यदि आप किसी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार के मकान में कहें या प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। स्पेशली 6 से 15 अगस्त के बीच आप थोड़ा इंतज़ार करें, 15 अगस्त के बाद आप उस पर विचार कर सकते हैं। 16 से 31 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं, इस समय में सूर्यदेव और शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में होगा और बुधदेव का गोचर आपकी कुंडली के 5थे भाव में होगा। देखिए, ये समय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रह सकता है, क्योंकि इस समय में 4 ग्रह आपकी कुंडली के स्वराशि में है। अर्थात शनिदेव आपकी कुंडली के, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। आपकी कुंडली के पंचमेश आपकी कुंडली के 5थे भाव में है, और गुरु जो आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं, वो आपकी कुंडली के लाभ भाव में है, और सूर्यदेव
आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, जहाँ से सूर्यदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ेगी। देखिए, ये समय आप लोगों को कुछ अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। ये समय आप अधिक से अधिक मेहनत करें, आपको कुछ ना कुछ नया अवसर यहाँ मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। आपकी मेहनत अनुसार जो लाभ आपको पिछले कुछ महीनों में नहीं मिल पा रहा था, तो वो यहाँ मिलने की संभावना बनती है। इस समय में आपके मित्रों के साथ यदि किसी प्रकार का कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी विस्तार होता दिखाई देगा। अत्यंत शुभ फल आपको मिलने की संभावना बनती है। देखिए, यदि जो जातक वाहन खरीदना चाहते हैं, जो जातक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अत्यधिक शुभ फल रह सकता है, फल दे सकता है। देखिए, जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो जातक सरकारी नौकरी में है, पिछले कुछ समय से यदि आपकी सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का कोई तनाव बना हुआ था, मानसिक परेशानी बनी हुई थी, तो आपकी नौकरी में वो परेशानी दूर होती दिखाई देगी। और जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये समय आपको कुछ अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई इंटरव्यू इस समय है, तो उसमें अत्यधिक सकारात्मक फल आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका परिणाम इस समय आने वाला है, तो आपको कुछ अच्छे परिणाम यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 1 से 6 अगस्त तक का समय इस प्रकार के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। यदि आपको नींद आने में परेशानी होती है, मान लीजिए आपको नींद आने में समस्या रहती है, पिछले कुछ वर्षों से कुछ महीनों से समस्या रहती है, तो वर्तमान समय उसमें अत्यधिक परेशानी बढ़ा सकता है। यदि आपको दिमाग से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है, तो 1 से 8 अगस्त तक का समय आपके लिए अत्यधिक तनाव यहाँ दे सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। 5 से 8 अगस्त और 21 से 23 अगस्त तक का समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। ये समय यदि आप बाहर का भोजन ना करें तो आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा ये समय आपके पेट से संबंधित किसी बीमारी को बढ़ा सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 1 से 10 अगस्त तक का समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये समय आपके खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर बढ़ सकते हैं। इस समय आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 10 अगस्त के बाद का समय आपका मानसिक तनाव आपके फाइनेंसेस को लेकर कम होता दिखाई देगा, आपको सकारात्मक फल आपके फाइनेंसेस को लेकर मिलते दिखाई देंगे। 3 से 6 अगस्त और 19 से 22 अगस्त को आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। ये लाभ आपको पिछले किसी निवेश के कारण हो सकता है, ये लाभ आपको किसी को आपने मान लीजिए धन दिया था, या हम कहें लोन दिया था, तो वहाँ से आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर आपको उसमें भी सकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। 16 से 25 अगस्त तक का समय आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। तो ये था आपके फाइनेंस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जो जातक सिंगल हैं, वो 6 से 8 अगस्त और 23 से 25 अगस्त के बीच किसी प्रकार की रिलेशनशिप में, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ बढ़ सकते हैं। और जो जातक रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अगस्त का महीना उतना सकारात्मक नहीं है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। आपको इस समय किसी भी बात को लेकर तनाव बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित होने की प्रवृत्ति यदि आपकी है, तो थोड़ा सतर्क रहें, अन्यथा ये समय आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकता है, ये समय आपके रिश्तों में तनाव अत्यधिक बढ़ा सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके बच्चों के साथ किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था, आपके रिलेशनशिप में तनाव की स्थिति आपके बच्चों के साथ रहती थी, तो ये वो समय रहेगा जब उसके तनाव जो है वो कम होता दिखाई देगा, आपके बच्चों के साथ रिश्तों में मधुरता आती दिखाई देगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ यदि किसी प्रकार का तनाव बना हुआ था, तो उसमें भी यहाँ कमी आने की संभावना बनती है। 16 अगस्त के बाद का समय, यदि आपके
पिता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का तनाव यदि घर में बना हुआ था तो वो तनाव यहाँ दूर होता दिखाई देगा। आपके पिता के साथ संबंधों में मधुरता आती दिखाई देगी। तो ये अगस्त का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना सकारात्मक समय नहीं है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित ना हो, अन्यथा ये समय आपका मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है। यहाँ पर आपको अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ा तनाव हो सकता है, थोड़ी समस्या आ सकती है। स्पेशली 1 से 8 अगस्त तक का समय आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में अत्यधिक समस्या आएगी, जिसका सीधा प्रभाव आपको अपने वैवाहिक जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा वर्क लाइफ को बैलेंस करने में, अन्यथा ये समय आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। तो ये था आपके फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने। देखिए, अगस्त के महीने में आप लाल रंग और हरे रंग के वस्त्रों से स्वयं को दूर रखें, ना धारण करें। यदि आप पीले रंग के वस्त्र अगस्त के महीने में धारण करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रह सकते हैं। यदि आप गहरे नीले रंग के वस्त्र भी अगस्त के महीने में धारण करते हैं तो ये आपके मन में शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे, आपके लिए शुभ रह सकते हैं। 7 से 10 अगस्त और 23 से 26 अगस्त को यदि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके मन में एक शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे, ये आपके लिए शुभ रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 13 अगस्त को शाम 6:45 के बाद एक नारियल और एक नीले रंग का फूल बहते जल में प्रवाहित करें। आप 25 अगस्त को प्रातः 5:55 से शाम 6:35 के बीच एक काले रंग का कपड़ा, तिल का तेल और काली उड़द की दाल किसी गरीब को दान अवश्य करें। देखिए, इन तिथि का और इस समय का आपने विशेष ध्यान रखना है, ये दान आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दान रहेंगे। आप प्रत्येक शनिवार को 5 रुपये अथवा 10 रुपये के सिक्के का दान किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को करें। आपने सिक्के का दान करना है, कागज़ के नोट का दान नहीं करना। आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 9 अगस्त और 24 अगस्त को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृषभ लगन के जातकों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।